सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओरिजिन विट्स में, जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोज। तो आज हम बात करेंगे साइट्रो के बारे में, जैसे कि उसकी पावर्स, एबिलिटी या वीकनेसेस। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को एंजॉय करें। साइट्रो का फुल फॉर्म है साइबरनेटिक टेक्टिकल रोबोट ऑपरेटिव। ये एक एडवांस रोबोट है जिसे बर्टो ने बनाया था। यह भी मैक्स स्टील के टीम टर्बो का मेंबर है। इससे पहले बर्टो कंट्रोल करता था और मैक्स स्टील के लिए टर्बोफाइड वेपन्स कैरी करता था। उसके पास उसका खुद का एर्सनल यानी कि वेपन्स रखने की जगह थी। इसका पहला अपीयरेंस कम टू द पार्ट 2 में हुआ था। इसे सबसे पहले मैक्स और स्टील के एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका बेहतर वर्जन हमें फायर और अर्थ एलिमेंटल के साथ कॉम्बैट में देखने को मिला था THI बिल्डिंग में, और बाद में साइट्रो अटैक्स एपिसोड में इसे अपग्रेड किया गया था बेहतर हाथों और टर्बो टच को बियर करने की पावर के साथ। अल्ट्रालिंग इन्वेजन पार्ट 2 में इसके पास एक रेकिंग बॉल भी था। और अब बात करते हैं इसकी एबिलिटीज के बारे में। पहला है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि साइट्रो रोबोट है वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा पावरफुल है। दूसरा है सुपर ह्यूमन स्पीड, रोबोट होने के कारण एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा तेज है और अपने जेट पैक तेजी से उड़ भी सकता है। तीसरा है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, साइट्रो का आर्मर कई सारे अटैक्स और टॉक्सिन्स झेल सकता है, जैसे कि प्रिज्म ब्लिंक के प्रोजेक्टाइल्स और टॉक्जॉन के टॉक्सिन्स, और अपने लेटेस्ट अपग्रेड में ये और ड्यूरेबल हो गया था। चौथा है इनहेंस इंटेलिजेंस, रोबोट होने के कारण साइट्रो एक एवरेज पर्सन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। पांचवा है अल्टीमेट स्टेमिना, रोबोट होने के कारण इसे आराम करने या सोने की ज्यादा जरूरत नहीं, घंटों तक बिना आराम किए भी लड़ सकता है। छठा है एर्सनल, जो कि बर्टो इसे हमेशा अपग्रेड करता था। उसने साइट्रो में कई सारे वेपन्स भी रखा था। सातवां है टर्बो व्हीकल मोड्स, टीम टर्बो के इवेंट्स के दौरान साइट्रो को कई सारे पावरफुल मोड्स में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी मिल गई थी कई सारे वेपन्स के साथ। आठवां है कनेक्टेड सूट, साइट्रो का आर्मर कई सारे फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज हो सकता है व्हीकल्स बनाने के लिए। नौवां है कैनन, उसके लेफ्ट हैंड में कैनन लगा हुआ है जो ग्रीन प्रोजेक्टाइल शूट कर सकता है। दसवां है मिसाइल लॉन्चर, साइट्रो के पास मिसाइल लॉन्चर्स भी हैं जो उसकी पीठ पर लगी हुई होती हैं। ग्यारहवां है जेट पैक, उसकी पीठ पर जेट पैक्स लगे होते हैं जिसे उड़ने मदद करते हैं। बारहवां है ग्रैपल, साइट्रो के पास एक ग्रैपल है जो उसके कैनन से निकलता था, जो साइट्रो मैक्स को बचाने के लिए इस्तेमाल करता था। तेरहवां है रेकिंग बॉल, अल्ट्रालिंग इन्वेजन पार्ट 1 में साइट्रो के पास एक रेकिंग बॉल भी था। चौदहवां है टर्बोफायर वेपन्स, पहले साइट्रो मैक्स और स्टील के टर्बोफायर वेपन्स को कैरी करता था, और ये बात हमें एक एपिसोड स्पेयर पार्ट में दिखाया भी गया था कि बर्टो और स्टील के साथ मिलकर साइट्रो के अंदर से यूजेस पार्ट्स निकालता था ताकि साइट्रो और वेपन्स को कैरी कर सके। और अब बात करते हैं इसके वीकनेसेस के बारे में। पहला है डीएक्टिवेशन कोड, साइट्रो के पास एक डीएक्टिवेशन कोड है जिसकी मदद से मोर्टम ने साइट्रो को शट डाउन कर दिया था। दूसरा है वल्नरेबिलिटी टू टेरर एनर्जी, जो कि साइट्रो एक रोबोट है, मैक्स ग्रीन टर्बो एनर्जी से उसे पावर मिलता है, इसलिए वो टेरोरैक्स के टेरर एनर्जी को सहन नहीं कर सकता है और एक बार डीएक्टिवेट भी हो चुका है। साइट्रो अब खुद से फील कर सकता है, सोच सकता है और खुद को ऑपरेट कर सकता है। टीम टर्बो के इवेंट्स के दौरान साइट्रो एक स्पेशल चिप से अपग्रेड हुआ था जिसने उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया था, और अब वो खुद से सब कुछ कर सकता है। उस चिप को रॉयन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए साइट्रो रॉयन को प्रोटेक्ट करता है। पहले के एपिसोड्स में यह दिखाया गया था कि साइट्रो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता था, लेकिन जो साइट्रो हमें टीम टर्बो में देखने को मिला था वो और ज़्यादा डायनामिक्स, सिंप्लीफाइड और अपने दूसरे वर्जन से ज़्यादा पावरफुल था। और ये टीम टर्बो का इकलौता ऐसा मेंबर है जिसके पास एल्टर ईगो नहीं है, जैसे कि एलेक्स खुद को लॉ फीरा, रॉयन खुद को टेम्पेस्टो, और मैक्स और स्टील खुद को मैक्स स्टील बुलाते हैं। मैक्स स्टील, फॉजफेरस, वेनगॉन, लॉ फीरा के अलावा ये उन कुछ हीरोज में से है जिनके पास एक्शन फिगर है। तो बस यार, आज का वीडियो यही तो था। अगर आप सिलेक्ट्रा में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बैटल फोर्स 5 में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।